हेलो एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 4 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 7 लाख भूमिहीन किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना शुरू की है? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च बलराम स्कीम टू प्रोवाइड क्रेडिट टू 7 लाख लैंडलेस फार्मर। तो हाल ही में उड़ीसा सरकार ने बलराम इस स्कीम की शुरुआत की है। अगर बात करें बलराम स्कीम की, तो बलराम स्कीम गरीब किसान जो जिनके पास भूमि बिल्कुल नहीं है उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने में मदद करेगी। बलराम स्कीम को उड़ीसा सरकार ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ मिलकर बनाया है, जिसे आप नाबार्ड के रूप में भी जानते हैं। तो अगर बात करते हैं उड़ीसा की, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? कैपिटल है भुवनेश्वर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है गणेशी लाल जी, और सीएम है उड़ीसा के नवीन पटनायक जी। और बात अगर करें उड़ीसा में लोकसभा सीट की, तो लोकसभा की 21 सीटें और राज्यसभा की 7। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन का शुभारंभ किसने किया? रिसेंटली हु लॉन्च ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन? तो हाल ही में हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक और डॉक्टर हर्षवर्धन ने ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन को लॉन्च किया। अगर बात करें ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन की, तो यह एक जॉइंट इनिशिएटिव है किसका? एमएचआरडी, इनोवेशन सेल, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, अगर बात करें हैकाथॉन की, तो हैकाथॉन इसलिए शुरू किया गया है ताकि देश के अंदर ड्रग डिस्कवरी की जो प्रोसेस है उसको और मदद की जा सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए एमडी कौन बने हैं? रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू एमडी ऑफ चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी? तो हाल ही में वी सूर्य नारायण को चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। तो अगर बात करते हैं चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में और इसकी फाउंडेशन हुई थी 2001 में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संस्थान ने एक वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम मोबाइल मास्टर जी? तो हाल ही में आईआईटी कानपुर ने छात्र स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच ऑनलाइन टीचिंग को बढ़ाने के लिए मोबाइल मास्टर जी सेटअप विकसित किया है। यह सिस्टम टीचरों को मदद करेगा ताकि वह अपने छात्रों को बहुत ही आसानी से घर बैठे ही पढ़ा सकें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने वकीलों के लिए मासिक वेतन की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस्ड मंथली स्टाइपेंड फॉर लॉयर्स? तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपने जूनियर वकीलों के लिए 2 साल तक 3,000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता की घोषणा की है, जो कि कोरोना वायरस के कारण फाइनेंशियल डिफिकल्टी से जूझ रहे थे। तो अगर बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, और सीएम है ई पलानी स्वामी जी, और लोकसभा की 39 सीटें हैं तमिलनाडु में और राज्यसभा की 18। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज यूनाइटेड नेशंस पॉलिसी ऑफिसर? तो हाल ही में भारत की वैशाली मोहंती को यूनाइटेड नेशंस में पॉलिसी ऑफिसर नियुक्त किया गया है। यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की छात्र थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मत्स्य संपदा का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया? रिसेंटली हु हैज लॉन्च फर्स्ट एडिशन ऑफ मत्स्य संपदा? तो मत्स्य संपदा एक न्यूजलेटर है जो कि भारत सरकार का फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री मंत्रालय जारी करता है किसानों के लिए। तो अगर बात करें इसको लॉन्च किसने किया, तो इसको लॉन्च किया है गिरिराज सिंह जी ने, जो कि हमारी यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग है। इन्होंने मत्स्य संपदा का पहला न्यूजलेटर संस्करण लॉन्च किया। यह जो न्यूजलेटर है मत्स्य संपदा, यह किस जो फिशरीज फार्मर है उनको मदद करेगा कि फिशरीज सेक्टर में नए इनोवेशन क्या हो रहे हैं जिसके तहत वह अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सीबीएफसी के नए सीईओ कौन बने हैं? रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू
सीईओ ऑफ सीबीएफसी। तो हाल ही में आईएएस ऑफिसर रहे हैं रविंद्र भाकर, यह सीबीएफसी के नए सीईओ बने हैं। तो अगर बात करें सीबीएफसी है क्या, तो सीबीएफसी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो अगर बात करें सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। और इसके चेयरपर्सन कौन है, चेयरपर्सन प्रसून जोशी जी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संस्थान ने कोपल 19 ऐप विकसित किया है, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड कोपल 19 ऐप। तो हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने एम्स के डॉक्टरों के साथ मिलकर कोपल 19 ऐप विकसित किया है। यह ऐप मदद करेगा जो कि प्लाज्मा डोनर्स हैं, जो कि अभी अभी कोरोना वायरस से रिकवर हुए हैं और अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं, वह इस ऐप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत अपने नवीनतम रक्षा सौदे के तहत किस देश से 21 MiG-29 लड़ाकू फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रहा है, रिसेंटली इंडिया इज प्लानिंग टू प्रोक्योर 21 MiG-29 फाइटर जेट्स फ्रॉम विच कंट्री अंडर इट्स लेटेस्ट डिफेंस डील। तो हाल ही में भारत ने अपने नए रक्षा सौदे के तहत 21 MiG-29 फाइटर जेट खरीदने का निर्णय लिया है और यह खरीदे जाएंगे रशिया से। तो अगर बात करें मिग 29 की, तो मिग 29 को कौन बनाता है, मिग 29 को बनाता है रशिया का मिकोयन कंपनी है, वो बनाती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है मिकोयन का, मिकोयन का हेडक्वार्टर है मॉस्को रशिया में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने बोरोइंग लिमिट बढ़ाने के लिए एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया है, रिसेंटली विच स्टेट इशूज ऑर्डिनेंस टू अमेंड एफआरबीएम एक्ट टू हाइक स्टेट्स बोरोइंग लिमिट। तो पहले जानते हैं एफआरबीएम है क्या। एफआरबीएम होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। तो हाल ही में तेलंगाना सरकार ने अपने एफआरबीएम एक्ट में संशोधन किया है और एक ऑर्डिनेंस पास किया है जिसके तहत वह स्टेट की अपने बोरोइंग लिमिट को बढ़ा सकें। तो अगर बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना की गवर्नर कौन है, तेलंगाना की गवर्नर है तमिल साई सौंदर राजन और सीएम है के चंद्रशेखर राव। और लोकसभा की तेलंगाना में 17 सीटें हैं और राज्यसभा की 7। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च्ड इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स फैसिलिटी इन पार्टनरशिप विद कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। तो हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स फैसिलिटी की शुरुआत की है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी के साथ मिलकर। तो हाल ही में आईसीआई बैंक ने इस फैसिलिटी की शुरुआत की है जिसके तहत वह इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करा सकेंगे म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में। तो अगर बात करते हैं ये किसके साथ मिलकर इन्होंने शुरुआत की है, ये इन्होंने मिलकर एक कंपनी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ मिलकर ये शुरुआत की है। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट इंडिया की लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड ट्रांसफर कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में और इसके सीईओ हैं कैम्स के अनुज कुमार। तो अगर बात करते हैं आईसीआई बैंक की, तो आईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके सीईओ हैं संदीप बख्शी जी। तो चलिए आज के करेंट अफेयर्स में इतना ही था। बात करते हैं कल के क्विज क्वेश्चन की। तो कल के क्विज में मैंने पूछा था हाल ही में किस देश ने 36वें आसियान सम्मेलन की अध्यक्षता की है, रिसेंटली विच कंट्री है चेयर द 36 आसियान समिट। तो हाल ही में जो 36 आसियान समिट हुआ था इसके चेयर किया था वियतनाम ने। तो आप में से कई दो तीन लोगों ने इसका आंसर दिया था तो ये सही था। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन पर। तो आज का क्विज क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय अंपायर को आईसीसी एलीट पैनल में शामिल किया गया है, रिसेंटली विच इंडियन अंपायर हैज बीन इंडक्टेड इन आईसीसी एलीट पैनल। तो इसका जवाब आप लोगों को करेंट आपको कमेंट सेक्शन में देना है और इसको डिस्कस हम कल करेंगे। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं कल के वीडियो में। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।